प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और 30 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उनमें से यफूते के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ और कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा और मूसा से परमेश्वर ने कहा कि केवल कालेब और यहोशू को छोड़ और कोई भी इजरायली कनान देश को नहीं पहुंच पाएगा। ये लोग यहीं जंगल में मर जाएंगे। क्यों आखिर परमेश्वर ने ऐसा कहा और क्यों कालेब और यहोशू ही केवल कनान देश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया? क्योंकि कालेब और यहोशू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होकर बातों को कहा। आमेन। उनके मुंह के शब्दों के कारण आज परमेश्वर उनसे ये वादा कर रहा है कि परमेश्वर उन्हें कनान देश लेकर के जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं हम लोग पिछले दिनों से कालेब के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मूसा ने भेदियों को भेजा था, वे लोग वापस आए और जब उन्होंने नकारात्मक बातों को वहां पर रखा, 10 लोगों ने, कालेब और यहोशू ही थे जिन्होंने पॉजिटिव बातें वहां पर कही, और उनके शब्दों के द्वारा, उनके उस पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आशीषित करना चाहा। यदि एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से उसका अनुसरण किया है कि उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुँचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास कालेब के अंदर कुछ और ही आत्मा है। Yes. उसके पास कुछ और ही आत्मा है। कैसा आत्मा? विश्वास का Amen. आत्मा, जो मुझ पर निर्भर है, जो मेरी बातों का अनुकरण करता है, इसलिए मैं उसे कनान देश पहुंचाऊंगा और उसे उस देश का अधिकारी बनाऊंगा। Yes. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे शब्द बहुत पावरफुल हैं। Yes. हमारे शब्द बहुत सामर्थ्य हैं। आप क्या कहते हैं वो डिसाइड करता है आपका भविष्य क्या होगा। यहां पर कालेब ने उन लोगों को परमेश्वर के वचन से उत्साहित किया, परंतु वे लोग उत्साहित नहीं हुए, वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, वे लोग बुड़बुड़ाने लगे। इसका फल ये हुआ उनके लिए कि वे 40 सालों तक उसी जंगल में भटकते रहे, और उनमें से मैक्सिमम लोग जो कुड़कुड़ाने वाले थे वो वहीं मर गए। देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो सकारात्मक बातें कह रहा है और कुछ व्यक्ति जो नकारात्मक बातें कह रहे हैं। जो सकारात्मक कह रहा है, जो पॉजिटिव बातें कह रहा है, वो तो जीवित है, वो अधिकारी हो गया, उसे आशीषें मिल गई, और जो नकारात्मक है उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया, वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहें, हमेशा परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर सकारात्मक बने रहें, विश्वास में बने रहें, अच्छी सोच को रखें, अपने मुंह से गलत बातों को न निकालें, परमेश्वर के प्रति आप कुड़कुड़ाएं नहीं, बुड़बुड़ाएं नहीं। क्योंकि याकूब की किताब 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीभ एक प्राणनाशक विष भरा हुआ है इस जीभ में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हम इस जीव से गलत बातें निकालते हैं तो वो हमारे जीवन में हो जाती हैं, और यदि हम इस जीव से अच्छी बातों को निकालेंगे तो वो भी हमारे जीवन में हो जाएंगी, और परमेश्वर हमें आशीषित करता है हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा। यदि आप अपने लिए हमेशा नकारात्मक ही कहते रहेंगे, दूसरों के लिए नकारात्मक ही कहते रहेंगे, तो उन सबके जीवनों में वैसे ही होगा और आपके जीवन में भी वैसे ही होगा। परंतु यदि आप पॉजिटिव कहेंगे, यदि आप सकारात्मक बातें, उत्साहित करने वाली बातें, मोटिवेट करने वाली बातें, परमेश्वर के वचन की बातें यदि आप कहते रहेंगे, तो आपके जीवन में भी वैसा ही होगा और लोगों के जीवन में भी वैसा ही होगा, और तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। जैसे हम यहां पर कालेब के जीवन से देख रहे हैं कि जब उसने सकारात्मक एटीट्यूड रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, जब उसने परमेश्वर पर निर्भर रहा, जब उसने अपने मन में उन गलत बातों को नहीं आने दिया, और जब उसने अपने से उन गलत बातों को नहीं निकाला, उन नकारात्मक बातों को नहीं निकाला, तब आज परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया, उससे वादा किया कि वो कनान देश का अधिकारी होगा। केवल वही कनान देश को देखने पाएगा और
जानने पाएगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव बना रहना है और अपने मुंह से अच्छी बातों को निकालना है, गलत बातों को नहीं। इसीलिए याकूब 3 अध्याय में सिखाते हैं कि इसी मुंह से हम श्राप देते हैं और इसी मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही सोते से कड़वा और मीठा जल निकलता है? नहीं। यानी कि हमारे मुँह से केवल एक प्रकार की ही बातें निकलनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो उसके विश्वास के वचन, उसके बाइबिल के वचन और अच्छी बातें जो लोगों को उत्साहित करें, जो हमारे भले की हों, लाभ की हों, ऐसी बातें हम अपने मुंह से निकालें, न कि दूसरों को श्राप दें, गलत गलत बातें कहें, नकारात्मक सोच रखें, बुड़बुड़ाएं, कुड़कुड़ाएं, ऐसा नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो सकारात्मक सोच रहे हैं, जो उसके वचन पर भरोसा रख रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं यीशु का धन्यवाद करती प्रभु का। मैं पिक ब्रदर अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है, मैं 14 साल से बीमार थी, मेरे को अमृता सिस्टर की प्रार्थना सुनी, मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। सबको जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके मीठे नाम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु उस नाम के लिए जो नाम हमसे प्रेम करता है, जो नाम हमारे सबसे ज्यादा करीब है, जो इस नाम की हम महिमा करने पाते हैं और जिस नाम पर हम भरोसा करते। प्यारे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष का धन्यवादी हैं आज की शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है प्रभु। आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु आज की शाम में परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी, आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को फील करें प्रभु जी। इसी समय तेरा आत्मा उन्हें छुए, वो दुनिया की जिस भी छोर से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु मसीह, वहीं परमेश्वर तेरी आत्मा की उपस्थिति को वो महसूस करें प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को फील करें प्रभु यीशु मसीह। आप इन्हें होली जुम्बिस करें परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर आप उन्हें जुम्बिस करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह दिन भर के भलाइयों के लिए प्रभु, दिन भर में परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए, हम सबकी सहायता मदद करने के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इस समय परमेश्वर हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है अपने जीवन के उन हाल को सुनाने के लिए प्रभु, जो आज के दिन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो आज के दिन में उनके साथ में हुआ है, जो भी दुख है, परेशानी है, कुछ आनंद के भी विषय हैं प्रभु, जो तेरे लोग तेरे सम्मुख लेकर आए हैं, आज धन्यवाद लेकर तेरे पास आए हैं, आज अपनी समस्या लेकर तेरे पास आए हैं, आज अपनी बीमारियों को लेकर तेरे पास आए हैं यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, क्योंकि पिता आप हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छे से जानने वाले परमेश्वर है कि तेरे लोगों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है। इस समय प्रभु हर एक जन अपने मुंह को खोल रहा है पिता, अपनी बातों को आपसे कहने के लिए तैयार है, हर एक जन आज अपने मुंह को खोले, अपने दिल की बातों को आप यीशु मसीह से कहें, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु। यदि आज दिन भर में पिता कोई भी गुनाह, कोई भी गलती या फिर किसी बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा प्रभु तेरे व्यवस्था के विरोध में, तेरे विरोध में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, तेरे लोगों से कोई भी गुनाह गलती हुई है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उनके गुनाहों को माफ करें पिता, आप उन्हें अपने लहू से पाक साफ करें प्रभु, आप उन्हें प्रभु फिर से नया मौका दे प्रभु, कि उन गलत बातों से फिर कर प्रभु नए मार्ग में, उस सच्चे पवित्र मार्ग में प्रभु वो चल सके और खुदावन एक पवित्रताई का, सिद्धताई का प्रभु यीशु मसीह पाप रहित जीवन जी सके प्रभु, और तेरी महिमा कर सके, कि तुझे ये भाता है कि तेरे लोग परमेश्वर तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, सच में हम घटे मेरे प्रभु और तू बढ़े हमारे जीवन से प्यारे अब्बा, तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि पिता तू स्वर्ग में है पिता, और तू हमारी विनती को सुनता है प्रभु, स्वर्ग में पिता के दाहिने जब तू विराजमान है, हमें देखता है, हमें निहारता है, हमारी हमारे लिए पिता से विनती करता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर अपनी विनती निवेदन
दुख, बीमारी, समस्या, स्ट्रगल्स को लेकर, चिंताओं को लेकर तेरे पास आए हैं, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए प्यारे अब्बा। आज कोई भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना कहने पाए कि आज मेरे जीवन में यही दुख बने हैं। प्रभु आज सल्यूशन इनके जीवन में हो, आज चंगाई इनके जीवन में हो, आज छुटकारा इनके जीवन में हो, आज बहाली इनके जीवन में हो, आज सफलता इनके जीवन में हो, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तो तू प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। क्योंकि आपने वचन में कहा धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, और मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो वचन प्रभु आज के शाम में आपने हमें दिया, हमारे आत्मिक भोजन के द्वारा आपने ब्लेस किया, सच में प्रभु एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्रभु, एक पॉजिटिविटी प्रभु जो हमारे अंदर बनी रहती है, वही हमारे लिए जीवन में प्रवेश करने का कारण है। क्योंकि परमेश्वर पॉजिटिव आप हैं, और अपनी पॉजिटिविटी को प्रभु तू अपने लोगों के अंदर देता है। दुष्ट जो नकारात्मक है, जो नकारात्मक सोच डालकर प्रभु तेरे लोगों को तुझसे दूर करता है, प्रभु आज उन सारी नकारात्मक बातों को, आज उन सारे दुष्ट के नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह तेरे लोगों के जीवन से कैंसल आउट करते हैं। हम उन्हें दूर करते हैं, उस हर एक नकारात्मक विचार को जो तेरे लोगों के जीवन को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है प्रभु जी, मेरे खुदा उस विचार को हम दूर करते पिता। हाँ प्रभु, जब तेरे लोगों को पिता उनके मनों में प्रभु शक का विचार डालता है प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता दूसरों के प्रति व्यभिचार का विचार डालता है प्रभु, दूसरों के प्रति गलत भावनाओं को डालता है परमेश्वर पिता, आज वो हर एक नकारात्मक सोच यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप पॉजिटिव हैं, और आपके लोग पॉजिटिव होने पाए, यही आपकी इच्छा है परमेश्वर। और आपने कहा है कि तुम्हारे जीप में जीवन और मृत्यु है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज प्रभु हर एक जन प्रभु का लेप की तरह परमेश्वर, यहोशू की तरह प्रभु जी पॉजिटिव बोलने वाला हो सके, पॉजिटिव विचार रखने वाला हो सके। परिस्थितियां विपरीत है परमेश्वर, परंतु पिता उस विपरीत परिस्थिति में अपने लिए पॉजिटिव ये बोलने वाले हो सके, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव ये बोलने वाले हो सके, अपने हर एक क्षेत्र के लिए ये पॉजिटिव बोलने वाले हो सके। यदि आज परमेश्वर पिता ये प्रभु कम हो गए हैं पिता, डाउन लेवल पे हैं, उसी डाउन लेवल से प्रभु आप इन्हें हायर लेवल पर पहुंचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हर एक जन प्रभु अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए परमेश्वर पॉजिटिव बोलने वाला हो सके। आज इनके जीवन में आप इनकी जीप में परमेश्वर पिता जीवन की बातों को दे मेरे परमेश्वर, पॉजिटिव बातों को दे परमेश्वर। प्रभु इनके मुंह से प्रभु श्राप नहीं, वरन प्रभु आशीष अपने लिए और अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए निकलने पाए पिता। प्रभु ये किसी को भी श्राप देने वाले ना हो सके, किसी के लिए भी गलत बोलने वाले ना हो सके, किसी को भी गाली देने वाले ना हो सके मेरे प्रभु, वरन प्रभु पॉजिटिव होने पाए पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर पिता कर्जे में है प्रभु, आज वो इस बात को पॉजिटिव वे में ले सके मेरे पिता कि वो कर्ज मुक्त हो गए प्रभु। आज वो अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करने वाले हो सके कि हर एक जो कर्जे में व्यक्ति है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनका कर्जा आपने चुका दिया है, वो कर्ज मुक्त है यीशु के नाम से। प्रभु जो अनमैरिड है प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने उन्हें विवाहित किया है, आपने उन्हें अच्छा जीवन साथी दिया है। इस समय प्रभु जो जॉब से धन्यवाद प्रभु आपने अच्छा जॉब उन्हें दे दिया है प्रभु। जिनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह नेगेटिव हो गए हैं, यीशु मसीह उनके बच्चे सही रास्ते पर चलने लगे, वो पॉजिटिव हो गए, वो सक्सेसफुल हैं, वो एडिक्शन से बाहर है, वो हर गलत बातों से बाहर निकल गए हैं प्रभु। आज हम जीवन के वचनों को उनके लिए बोलते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप, हर एक व्यभिचार प्रभु तेरे लोगों के जीवन से चला गया है प्रभु। एक पवित्रताई जीवन, एक दूसरे के प्रति प्रभु विश्वास योग्य जीवन प्रभु वो जी रहे हैं मेरे खुदा। धन्यवाद आज जितने लोग अस्वस्थ और बीमार है, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु तेरे लोगों के शरीर से चली गई है पिता। वो जीवित हैं प्रभु, सुरक्षित हैं मेरे प्रभु जी, चंगे हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पिता। धन्यवाद छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हर एक रोगों से आजाद हो गए प्रभु, हर एक बीमारी से वो आजाद हो गए। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर, जिन्हें नींद ना आने की समस्या है परमेश्वर प्रभु, बहुत ज्यादा जो डरते हैं प्रभु, बहुत ज्यादा गलत सपने वो देखते हैं यीशु मसीह, आज उन सारी बातों से तेरे लोगों को छुटकारा मिल गया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, प्रभु उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं प्रभु, कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है प्रभु, आप सोल्यूशन दीजिए प्रभु। और धन्यवाद आपने उनके लिए उपाय कर दिया है पिता। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता, इस संगति को पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं उनकी विनती प्रार्थना
को प्रभु जी, उनके परिवार की समस्याओं को पिता आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य फोन कॉल के माध्यम से अपने प्रार्थना विनतियों को दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके लोगों को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।